ये व्यू चेक करें। मॉर्निंग और 1 जुलाई फ्रॉम बेडफोर्ड स्कॉटलैंड आइल ऑफ स्काई और बहुत खूबसूरत व्यू। रात भर बहुत ज़्यादा बारिश होती रही है, साथ में हवा भी काफ़ी तेज़ थी, अभी भी वेदर फॉगी है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, बहुत ही प्यारा व्यू है। हम आगे मूव करेंगे टूवर्ड्स एप्पल क्रॉस और एप्पल क्रॉस के बाद एक और जगह है, उसको कहते हैं ओला पूल। तो ओला पूल की सी फिश जो सी फूड है या फिश बहुत ज़्यादा मशहूर है, वो हम लाजमी कोशिश करेंगे कि ट्राई करें। इसके अलावा एप्पल क्रॉस में भी एक आध जगह देखने के लिए, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। तकरीबन जो ओला पूल तक हमारा डिस्टेंस शो कर रहा है मैप, वो तकरीबन कुछ 2 घंटे 40 मिनट के करीब है, लेकिन बीच बीच में हम रुक रहे होते हैं फोटोज वगैरह, तो शायद हमारा टाइम ज़्यादा लगे या हमारा शायद इवनिंग डेस्टिनेशन ओला पूल हो। तो ओला पूल से फिर पहुंच के वहाँ से हम आगे डिसाइड करेंगे कि हमारा आज आगे कौन सा रूट है। बारिश अभी फिर तेज़ हो गई है, तो मैं वापस जाऊँगा गाड़ी के अंदर अभी और ब्रेकफास्ट प्रपेयर करके, तो हम इंशाल्लाह अपना सफ़र आगे की तरफ शुरू करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। 5th तक हमारे तकरीबन 3-4 दिन रह गए हैं, तो उम्मीद है कि इसमें हम सारा जो स्कॉटलैंड का जितने भी ये हाईलैंड्स हैं इसको हम पूरे विज़िट कर लें इंशाल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون। हम लोगों ने अपना सफ़र शुरू कर लिया है और अब हम लोग आइल ऑफ स्काई से निकलते हुए जाएंगे फर्स्ट एप्पल क्रॉस और देन एप्पल क्रॉस से टूवर्ड्स ओला पूल की तरफ। एप्पल क्रॉस तक जो डिस्टेंस शो हो रहा है वो शो हो रहा है कोई 58 माइल्स, 1 घंटा 48 मिनट, और मे भी शायद टाइम लगे बीच में अगर हम कोई शॉर्ट्स वगैरह लें और कहीं पर रुक के थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, अदरवाइज़ तकरीबन कुछ लगभग 2 घंटे हमें लग जाएंगे या 3 भी लग सकते हैं। उसके बाद तकरीबन 1.5 घंटा मेरे ख्याल में ओला पूल की तरफ ट्रेवल है, वो भी अगर हम बीच में रुकते हैं शॉर्ट्स लेते हैं तो शायद वहाँ पर भी टाइम लगे। बट फ़िलहाल अभी हमारा सफ़र शुरू हो चुका है ओला पूल की तरफ, और यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत वाटरफॉल्स है जिसके पहले मैंने वीडियो बनाई थी, शायद आप पिछले व्लॉग्स में देख चुके हो। तो ये अभी स्ट्रेट हमारा अभी तकरीबन हम लोग पढ़ेंगे इधर आइल ऑफ लोकेश, तो वहाँ से हम एग्जिट कर जाएंगे आइल ऑफ स्काई टू स्काई ब्रिज की। बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे, पार्किंग की है उन्होंने इस वाटरफॉल को देखने के लिए।
ये वाली हिल जो है ना, आप लोगों को अगर याद हो तो आपने गेम ऑफ थ्रोन्स में देखी होगी, जो वेस्टरोस वाली जो साइड थी उसमें अक्सर इसकी शॉट्स दिखाई जाते थे। ये हम लोग एप्पल क्रॉस में पहुंच आए, यहाँ से एक रास्ता राइट साइड पे गया है, एक लेफ्ट साइड पे गया है। एप्पल क्रॉस में यहाँ की सी फूड भी काफ़ी मशहूर है और बाकी यहाँ पे एक टाउन है छोटा सा, तो देखते हैं यहाँ पे कुछ करने की एक्टिविटीज़ मिली तो करेंगे, अदरवाइज वी हैव टू गो टू उलापुल। फिलहाल थोड़ा सा एप्पल में ग्राउंड लगाते हैं। ये है एप्पल क्रॉस और यहाँ पे ये बीच काफ़ी, यहाँ का काफ़ी फेमस है। उसके अलावा यहाँ पे सी फूड काफ़ी फेमस है। पीछे ये वाली जो लाइन आप देख रही हैं, दिस इज़ ऑल द फॉरेस्ट, जहाँ रोड जिस रोड से हम लोग नीचे होते हैं, बड़े खूबसूरत ऊपर प्लेन्स और मेडोज, काफ़ी खूबसूरत जगह थी। बीच में एक बड़ी खूबसूरत वाटरफॉल थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश और काफ़ी तेज़ हवा थी, मैं ड्रोन फ्लाई नहीं कर सका। ये आप देख रहे हैं जो पीछे ऊपर क्लाउड्स है, इस किस्म के क्लाउड्स में लो विजिबिलिटी में हम लोग आए हैं नीचे, और ये बहुत ही खूबसूरत टाउन है। ये अगर मेरे पीछे आप इस साइड पर देख सके, ये कुछ कैफेज़ वगैरह बनी हुई है, और ये अभी मेरा ख्याल है कि हम लोग, अगर मैं इस साइड से आप लोगों को दिखा सकूँ तो ये वाली जो रोड है इससे शायद हम लोग अभी वापस जाएँगे उलापुल की तरफ। सी फूड का हमारा प्लान है। यहाँ पे जितने भी मैंने रिव्यूज़ पढ़े हैं या जो लोग हैं वो यही रिकमेंड कर रहे हैं कि अगर आपने सी फूड ट्राई करना, अगर आप इस साइड पर, तो आपने उलापुल या एप्पल क्रॉस का सी फूड लाजमी ट्राई करना है। इवन कि जिससे हम लोगों ने ये मोटर होम हायर किए, उन्होंने भी बताया कि आप लोग इसको, मैं कहते हैं मैं स्पेशली ख़ुद एप्पल क्रॉस सी फूड के लिए जाती हूँ, और कहते हैं अगर आप उलापुल जाते हैं तो आपने लाजमी वहाँ पर ट्राई करना, क्योंकि यहाँ की स्पेशलिटी या स्पेशली जो फ़िश एंड चिप्स है, यहाँ की वो बेसिक वो डिश रेसिपी ही आई की है। तो थोड़ी देर हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेक लिए, कॉफ़ी पी रहे हैं जो कि हम लोगों ने अपनी बनाई है, और उसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे उलापुल की तरफ। In a world full of sorrow.
इस वक्त मौजूद है कोल्हापुर में, और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सारा कैंप साइट है। गाड़ी हम लोग ने पार्क कर दी कैंप साइट पे, और अब हम लोग जा रहे हैं, जो हमारी परसों से एक ख्वाहिश थी फिश एंड चिप्स की, तो वो यहाँ पे हम लोगों ने, काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है सी फूड शेक के नाम से, तो वहाँ पे जा रहे हैं फिश एंड चिप्स खाने, क्योंकि ये यहाँ के ट्रेडिशनल और कल्चरल भी हैं। तो वहाँ पे वॉक करते हुए हम जा रहे हैं। पीछे ये मेरे पीछे ये पूरा पार्किंग साइट है, कैंप साइट है मोटर होम्स का, और आगे टाउन है जिस पर हम अब वॉक करते हुए जाएंगे उस रेस्टोरेंट तक। तो काफ़ी खूबसूरत, छोटा सा है लेकिन काफ़ी खूबसूरत, ओवरऑल ऑर्गेनाइज्ड, काफ़ी ज़्यादा मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, ठंडी ठंड काफ़ी है, और ये हुड से भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा ठंड है। तो अभी वॉक करते हुए साथ साथ आपको टाउन भी दिखाते जाते हैं। ये है कोल्हापुर टाउन, नीचे से वॉक करते हुए कैंप साइट से हम वॉक करते हुए आ रहे हैं ऊपर की तरफ। काफ़ी साफ सुथरा और काफ़ी खूबसूरत है मौसम, ठंड काफ़ी ग्रीन है। ये सारी मोटर होम की कैंप साइट्स हैं, ठंड काफ़ी ज़्यादा है। ये सामने इसके पे सी फ्रंट है, और बैक पे वो हिल से जहाँ से जिस साइड से हम लोग आए हैं, काफ़ी बड़ी साइड है, इससे थोड़ा सा ये राइट साइड पे और भी रास्ता गया हुआ है, साथ में ऊपर टाउन का रोड जा रहा है और कुछ रेजिडेंसेस हैं। हवा बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है, और ये हमारी बिल्कुल सी फ्रंट के साथ ही, बल्कि आप कह सकते हैं कि बीच में ही है कैंप साइट है, काफ़ी प्यारी लोकेशन पे है।